प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी को नगर निगम बनाने के लिए जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय का नगर परिषद मंडी सहित विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया है, जिसके चलते स्थिरी मंच मंडी में संगठन सदस्यों ने नगर परिषद मंडी के पार्षदों और अध्यक्षा को भी बधाई दी। मंडी को नगर निगम का दर्जा मिला है, सर्वप्रथम इसके लिए जयराम जी सहित सभी का आभार, सभी का धन्यवाद जिन्होंने इसके लिए सार्थक प्रयास किए। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इसका विरोध किया था, देखिए महत्वपूर्ण है ये, जिन लोगों ने इसका विरोध किया था उन्हें भी अब बधाई के पात्र बनाना है, वो हमारी जिम्मेवारी है। हमने इस तरह से इसका सद्भावना वाला माहौल बनाना है, हमने ये सेलिब्रेट नहीं करना है कि हम जीत गए। नेचुरली जब आप अपनी जीत बताएंगे तो उनकी हार बताई जाएगी। हमने इसको इस तरह से लेना है कि ताकि एक सद्भावना वाला माहौल बने, उनको हम साथ लेके चलें, उनको विश्वास दिलाएं कि आने वाले समय में शहर में जितनी डेवलपमेंट होनी थी हो चुकी हुई है, आने वाले समय में अगर डेवलपमेंट होएगी, विस्तार होएगा, विकास होगा तो उन क्षेत्रों का होगा। और हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि वो क्षेत्र जो अपने फैसला उन्होंने लिया, मैं समझता हूँ कि इसका दूरगामी परिणाम निकलेंगे। नगर निगम के फैसले को मैं एक लाइन में बोलूँगा कि नगर निगम का फैसला आंवला खाने बराबर है। जब आप आंवला खाते हैं तो अजीब जैसा टेस्ट आता है, 5 मिनट के बाद कुछ मत खाइए, उसी का टेस्ट देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया आता है। ये फैसला जो है इसके दूरगामी परिणाम आएंगे और आने वाले समय में वो लोग भी आपको ये बोलेंगे कि नहीं आपने ठीक किया, हमने उस वक्त विरोध किया था। लेकिन तत्काल विरोध जो होता है उसको ये मान के ना चले कि वो लोग हमारे विरोधी हैं, वो लोग जो हमारे साथ नगर निगम में जुड़ रहे हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सद्भावना वाला माहौल बनाएं, ताकि उनको ये ना लगे कि इनकी जीत हो गई हमारी हार हुई। हार जीत किसी की नहीं है भैया, विकास के मामले में, विस्तार के मामले में ये भावना नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। मंडी शहर के लिए बहुत खुशी का विषय है कि मंडी शहर की वर्षों पुरानी एक लंबित मांग जो आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्माननीय ठाकुर जयराम जी द्वारा कल कैबिनेट में निर्णय लेके उसे पूरा किया गया। उस निर्णय से पूरे मंडी शहर की जितने धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, पूरा शहर कल से ही गदगद हो चुका है, उत्साहित हुआ है। ये मंडी शहर जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा और पुराना शहर है, वो आज तक ये वंचित रहा, कई राजनीतिक कारणों से इसे नगर निगम का दर्जा नहीं दिया गया। कल हमारे प्रदेश के माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया, जिससे पूरे शहर की जितनी भी हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनके चिर प्रचित बहुत पुरानी मांग थी और उसको कल पूरा किया गया। हम सभी संस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करती हैं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं, उनसे किसी प्रकार का मन में वो कोई भावना न रखें। हम सभी भाई बहन मिल के आपस में शहरी और ग्रामीण के जितने जुड़े हुए हैं, इस नगर निगमों को उच्च स्थान दिलाने के लिए सभी प्रयासरत रहेंगे। और विशेषकर हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय रणवीर जी, और मंडी के जो मंडल के अध्यक्ष हैं, और पूरी नगर परिषद के सभी पार्षद भाई जितने भी हैं अध्यक्षा सहित, सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। हर व्यक्ति ने, हर संस्था ने अपनी बहुत इसमें दी है ताकि इस पुरानी मांग को पूरा किया जा सके, और वो पूरी हुई है। एक बार उन सभी संस्थाओं की तरफ से माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन, सम्मान। मैं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी को मंडी नगर निगम का दर्जा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला जो वर्षों से मंडी के जनता नगर निगम चाहती थी, उस फैसले को भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने उस सपने को साकार किया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी का और पूरी कैबिनेट का, मैं मंडी वासियों की तरफ से और जिला की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इस सहभागी में जो हमारा भिन्न भिन्न संस्थाओं ने जो हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, समय समय पर उन्होंने अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को उपयुक्त महोदय की तरफ से जो ज्ञापन दिए, उसके लिए भी मैं समर्थन के लिए सभी संस्थाओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, कांग्रेसों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी संस्थाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा
जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर हमारा इस नगर निगम में बनाने में सहयोग किया, उनका मैं पार्टी की तरफ से और माननीयवर मुख्यमंत्री की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और माननीयवर मुख्यमंत्री जी ने एक और ऐतिहासिक फैसला किया कि हम 3 साल तक जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में जुड़े हैं उनसे कोई हम टैक्स नहीं लेंगे, तो वो भी एक ऐतिहासिक फैसला माननीयवर मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके लिए भी मैं मंडी वासियों की तरफ से माननीयवर मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।